स्टूडेंट, आज हम हिंदी में पाठ 7 कंजूस महादानी पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, बात उन दिनों की है जब महामान पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए देश भर में घूम घूम कर धन संग्रह कर रहे थे। धन संग्रह मतलब धन इकट्ठा कर रहे थे। एक बार उनके एक मित्र ने उन्हें बताया कि कोलकाता के पास एक गांव में एक सज्जन रहते हैं, उनसे मिलने पर इस पवित्र कार्य में ज़रूर आर्थिक सहयोग मिलेगा। बस मालवी जी वहां पहुंच गए। पूछते पूछते वे उस हवेली तक पहुंचे। दरवाजे पर बैठे दरबान ने पूछा, किससे मिलना है? मालवी जी ने उन सज्जन का नाम बता दिया। दरबान अंदर गया और तुरंत वापस आकर मालवी जी को बैठक में ले जाकर बिठा दिया। काफ़ी समय हो गया लेकिन किसी ने उन्हें अंदर नहीं बुलाया और ना कोई बाहर बैठक में आया। अंधेरा होने लगा, तभी एक नौकर बाहर आया और उसने माचिस की एक तिली निकालकर लालटेन जला दी। एक लालटेन अंदर के लिए भी जलाई, उसके लिए दूसरी तिली निकाली और लालटेन जलाकर अंदर ले गया। चित्र में आप देख सकते हैं। तभी मालवी जी ने एक रोबदार आवाज़ सुनी। यह आवाज़ शायद सेठ की थी। उन्होंने अंदर से ही नौकर को दो अलग अलग तिली से दोनों लालटेन जलाते देख लिया था। वे नौकर को डांट रहे थे, तुमने माचिस की एक तिली से दोनों लालटेन क्यों नहीं जलाई? तुम्हें बार बार कहा जाता है कि इस तरह चीज़ों की बर्बादी नहीं की जाती, पर तुम सुनते समझते ही नहीं, रोज़ रोज़ फिजूल खर्ची किया करते हो। नौकर को मालिक से मिली डांट सुनकर मालवी जी को लगा कि यह भला कैसा कंजूस सेठ है, एक तिली अधिक जलाने पर नौकर को कैसी फटकार लगा रहा है, भला इससे क्या दान मिलने की आशा की जा सकती है। व्यर्थ ही मित्र मुझे इनके पास भेजा। मालवी जी मन ही मन बहुत निराश हुए। थोड़ी देर बाद सेठ बाहर बैठक में आए, बोले, क्षमा कीजिए, मैं आवश्यक काम में व्यस्त था, आपको काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी। और उन्होंने नौकर को आवाज़ देकर मालवी जी के लिए जलपान लाने को कहा। फिर मालवी जी से पूछा, यहाँ पहुँचने में आपको कुछ कष्ट तो नहीं हुआ? मालवी जी ने सहज मुस्कुराकर कहा, जी बिल्कुल नहीं। सेठ बोले, मेरे मित्र ने आपके विषय में तथा आपके कार्य के विषय में मुझे सूचना भिजवा दी थी। उन्होंने मुनीम को बुलाकर चेकबुक लाने को कहा। चेकबुक आने पर सेठ ने 7 लाख का चेक लिखकर मालवी जी के हाथ में दिया। मालवी जी आश्चर्य से उस चेक को देख रहे थे। मन ही मन उन्होंने कहा, यह तो कमाल हो गया। मालवी जी को खामोश देखकर वे बोले, कहिए पंडित जी, रकम कम है क्या? लेकिन फिलहाल मैं इतनी ही रकम दे पाऊंगा, दूसरी बार फिर सेवा करने का प्रयत्न करूंगा। मालवी जी को विचारों में खोया देखकर उन्होंने फिर कहा, क्या सोचने लगे पंडित जी, बात क्या है? मालवी जी ने कहा, मैं सोच रहा था कि दो लालटेनों को अलग अलग तिलियों से जलाने के लिए जो व्यक्ति नौकर को इतना डांट सकता है,
वह इतना बड़ा उदारदानी भी हो सकता है? मैंने तो सोचा था कि शायद यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, सेठ ने मुस्कुराकर कहा। आपका सोचना कुछ अंश तक ठीक ही है। आप एक पवित्र उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर मैं नौकर को इस तरह छोटी छोटी फिजूल खर्ची के लिए नहीं रोकता तो आज इतनी बड़ी रकम कैसे दान कर सकता था? ठीक है, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ समझेंगे। शब्दार्थ: संग्रह, इकट्ठा, सज्जन, भला आदमी, आर्थिक, धन संबंधी, हवेली, बड़ा और पक्का मकान, रोबदार, प्रभावशाली, फिजूल खर्ची, व्यर्थ खर्च करना, फटकार, डांट, व्यर्थ, बिना मतलब का, निराश, जिसे आशा ना हो, व्यस्त, काम में लगा हुआ, प्रतीक्षा, इंतजार, कमाल, चमत्कार, खामोश, चुप, रकम, राशि, फिलहाल, अभी, उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय। ठीक है, आज हमने पाठ 7 कंजूस महादानी पाठ पढ़ा और समझा। ठीक है।